नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, किसान जो है हर साल आप प्राप्त कर सकते हैं 42,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा के किस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ जो है आप दूसरी स्कीम का लाभ भी ले सकते हैं, और इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत आप जो है किस तरीके से एक साल के अंतर्गत 42,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करो उससे पहले अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 42,000 रुपये देगी मोदी सरकार। किस प्रकार से आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, आपको बता दें मोदी सरकार ने किसानों को बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें, अगर आप भी हर महीने 3,000 रुपये का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही यूजफुल जानकारी जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी किसानों को सालाना जो है 36,000 रुपये का फ़ायदा दिया जा रहा है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको भी कुल 42,000 रुपये तक का फ़ायदा मिल सकता है। आइए किस तरीके से आप जो है ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को पीएम किसान मानधन योजना का भी फ़ायदा मिलता है, जिससे आप जो है सालाना 36,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मानधन योजना के लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कैसे जो है आप इन 42,000 रुपये को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जो है इसका लाभ मिलेगा, तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर महीने 3,000 रुपये आते हैं, यानी कि सालाना 12×3,000 यानी कि कुल 36,000 रुपये मिलेंगे। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से कुल हर साल 6,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से कुल जो है टोटल हम बात करें तो दोस्तों टोटल जो है 36,000 और 6,000 कुल 42,000 रुपये जो है किसानों को हर साल में मोदी सरकार की ओर से मिलेंगे। अब दोस्तों, कौन कौन जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ ले सकता है, तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 साल से 40 साल तक के किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। यानी कि आपको बता दें क्या शर्तें हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो कम से कम किसान के पास 2 हेक्टेयर की खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए। उन्हें हर महीने के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का जो है प्रीमियम जमा कराना होगा। अब किस तरीके से आपको प्रीमियम जमा कराना होगा, कितनी उम्र में कितना प्रीमियम आपको देना होगा, तो आपको बता दें, अगर आप 18 साल की उम्र में इससे जुड़ते हैं तो आपको पर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे। अगर आप 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर साल यानी कि सालाना 110 रुपये आपको प्रीमियम देना होगा, यानी कि साल में एक बार 110 रुपये। वहीं अगर आप 40 साल की उम्र में इससे जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा। आपको बता दें, पीएम किसान मानधन योजना एक तरीके से पेंशन योजना है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। यह पेंशन किसानों को 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने उसके अकाउंट में 3,000 रुपये के रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है पीएम किसान मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं और हर साल जो है 42,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। एंड आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट की तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी व अपडेट सबसे पहले पाने के लिए पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें।